बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नेस्टिमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। ठीक है, तो इसकी दो डायग्राम्स हैं। एक ये वाली डायग्राम है जो हमने पेपर में बनानी है और याद भी रखनी है, लेकिन एक ये वाली जो क्यूबिकल शेप डायग्राम है ये है जिससे पहले हम समझ लेंगे एल्बो जॉइंट के एनास्टिमोसिस को, एंड देन थिंग्स विल गेट क्वाइट ईजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने ये देखना है कि रिकरेंट और कोलैटरल में क्या फ़र्क होता है, रिकरेंट में और कोलैटरल में क्या फर्क होता है। बस ये एक आर्टरी है और ये आ रही है और ये एक ब्रांच देती है, ठीक है, और ये ब्रांच इस आर्टरी के जो बाकी पोर्शन है इसके साथ साथ चलती है, तो इसको क्या कहेंगे, कोलैटरल ब्रांच। क्या कहेंगे, कोलैटरल ब्रांच। ये आर्टरी थी, इसने एक ब्रांच थी जो कि दूसरे इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट के साथ 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 चल रही है, तो इसको क्या कहेंगे, कोलैटरल। और ये एक आर्टरी थी, ठीक है, ये गई यहाँ पे एंड, मतलब ये यहाँ पे एंड हुई थी और इसने एक ब्रांच दी जो कि वापसी जाएगी, वापसी ट्रेवल करेगी इस ओरिजिनल आर्टरी के पाथ पे, तो इस ब्रांच को क्या कहेंगे, रिकरेंट। ठीक है, ये एक आर्टरी थी जो जहाँ पे एंड हो रही थी या पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, वहाँ पे इसने एक ब्रांच दी जो कि इसके ओरिजिनल आर्टरी के पाथवे पे बैकवर्ड्स मूव कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे, रिकरेंट ब्रांच। ठीक है, तो हमें पता है कि एल्बो जॉइंट है उसके इंटीरियर साइड पे क्या होता है, क्यूबिटल फोसा होता है। क्यूबिटल फोसा फ्रंट सेक्शन में हमारे पास क्यूबिकल शेप का होता है, इसलिए ये वाला जो इसका इंटीरियर पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, क्यूबिटल फोसा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूबिटल फोसा। तो इसके फोर कॉर्नर्स हैं और इस तरह से हम इसको देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं कि जो हमारे जब हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी एंटर होती है, अगर इनमें एंटर होती है तो उसमें क्या कहते हैं, एक्सिलरी आर्टरी को जो आम में बन के आगे क्या हो जाती है, ब्रेकियल आर्टरी। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया बी ए से, क्या है ये, ब्रेकियल आर्टरी। और ब्रेकियल आर्टरी ब्रांचेस देगी और वो ब्रांचेस आगे से डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई भी करेंगी और एनास्टिमोसिस भी करेंगी डिफरेंट ब्रांचेस के साथ। डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होंगी, वहाँ के स्ट्रक्चर्स को एक तो सप्लाई करेंगी और फिर दूसरी ब्रांचेस के साथ एनास्टिमोसिस भी करेंगी। अब एनास्टिमोसिस का क्या मकसद होता है, एनास्टिमोसिस का ये मकसद होता है, एनास्टिमोसिस बेसिकली आर्टरीज का यूनियन है। इसका मकसद ये होता है कि अगर किसी भी वक्त ब्लड डेप्रिवेशन हो रही है किसी एरिया में ड्यू टू प्रोलॉन्ग पोस्चर और किसी गलत पोस्चर की वजह से या फिर किसी भी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ब्लड के पाथवे में, तो वो इसके पास एक अल्टरनेट पाथवे होना चाहिए टू गो टू द टिश्यू, ताकि टिश्यू डेथ ना हो। ठीक है, एनास्टिमोसिस का ये मकसद होता है। जो ब्रेकियल आर्टरी थी ये सबसे पहले डिवाइड करती है दो ब्रांचेस में, एक सुपीरियर इनर कोलैटरल में और इंफीरियर इनर कोलैटरल में। ये कौन सी साइड है हमारे पास, ये इसका मीडियल एस्पेक्ट है। ये क्या है हमारे पास, मीडियल एस्पेक्ट। तो मीडियल एस्पेक्ट में ये दो तरह से डिवाइड होती है, टू फॉर्म सुपीरियर इनर कोलैटरल आर्टरी एंड टू फॉर्म इंफीरियर इनर कोलैटरल आर्टरी। जैसा कि नेम शो से शो हो रहा है कि ये आर्टरी मूव करेंगी अलॉन्ग द इनर आर्टरी, इसके अलग मूव करेंगे अलर आर्टरी के पाथवे के अलग मूव। जो सुपीरियर अलर कोलैटरल है ये पोस्टीरियर साइड को ऑफ द ट्यूब को सप्लाई करेगा ब्लड, और जो इंटीरियर अलर कोलैटरल है ये हमारे पास इंटीरियर साइड को सप्लाई करेगा। सुपीरियर अलर कोलैटरल सप्लाई करेगा पोस्टीरियर साइड को और इंटीरियर अलर कोलैटरल सप्लाई करेगा इंटीरियर साइड को। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये यहाँ पे अब इस क्यूब के दो पार्ट्स की, इनक्यूबेटर कोशा के दो पार्ट्स की हमारे पास ब्लड सप्लाई होगी। इसके बाद आ जाते हैं लैटरल एस्पेक्ट। ये जो लैटरल एस्पेक्ट है यहाँ पर बनेगी प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। क्या है आर्टरी का नाम, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। जो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है ये भी आगे से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक सप्लाई करेगा पोस्टीरियर पार्ट को और एक करेगा इंटीरियर पार्ट को। जो इंटीरियर पार्ट को करेगा वो क्या है, इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसको क्या कहते हैं, इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और जो पिछले वाले को क्या सप्लाई करेगा इसको क्या कहेंगे, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। वंस अगेन हम इसके ऊपर वाले एस्पेक्ट को देखते हैं कि ब्रेकियल आर्टरी ने एक ब्रांच ली जिसको हमने कहा सुपीरियर एल्बो कोलैटरल आर्टरी, जो कि पोस्टीरियर साइड को सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर साइड को सप्लाई कर रही है। और एक और ब्रांच दी जो थोड़ी नीचे जाके दी, इसको हम कहेंगे इंफीरियर अल्नर कोलैटरल, और ये हमारे पास इंटीरियर साइड पे सप्लाई कर रही है।
एंटीरियर मीडियल एस्पेक्ट पे सप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लेटरल साइड पे आ जाते हैं। लेटरल साइड पे क्या किया, ब्रेकियल आर्टरी ने एक ब्रांच दी जिसको कहा प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, जो कि डिवाइड हुई एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली दी इसने पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और एंटीरियरली दी एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्या दी, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसके बाद ब्रेकियल आर्टरी आएगी, फर्दर मूव करेगी और डिवाइड होगी एट द लेवल ऑफ क्यूबिटल फोसा। ही डिवाइड होती है इनटू रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी छोटी होती है और अल्नर आर्टरी कंपेयर टू रेडियल आर्टरी क्या होती है, बड़ी होती है, लार्ज होती है। जो अल्नर आर्टरी है ये आगे टू डिवीजन्स में डिवाइड होगी। अल्नर आर्टरी कितनी डिवीजन्स में डिवाइड होगी, टू डिवीजन्स में। एक होगी कॉमन इंटरओशियस आर्टरी में डिवाइड होगी एक साइड से, लेटरल साइड से। किस चीज़ में डिवाइड होगी, कॉमन इंटरओशियस आर्टरी से। अल्नर से अल्ना जो है हमारे पास मीडियल साइड पे लाइक करती है और उसका इंटरओशियस बॉर्डर जो है उसकी लेटरल साइड पे लाइक करता है। इसलिए इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो कॉमन इंटरओशियस आर्टरी है ये कहाँ बनेगी, लेटरल एस्पेक्ट पे बनेगी। अल्नर आर्टरी डिवाइड होगी इंटू कॉमन इंटरओशियस आर्टरी और कॉमन इंटरओशियस आर्टरी फर्दर डिवाइड होगी इंटू एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरओशियस आर्टरी। एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरओशियस आर्टरी और इनके दरमियान क्या है, इंटरओशियस बॉर्डर है। आई विल रिपीट, ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड हुई स्मॉल लैटरल रेडियल आर्टरी और मीडियल लार्ज मीडियल अल्नर आर्टरी में। अल्नर आर्टरी ने आगे से ब्रांचेस देनी है। अल्नर आर्टरी ब्रांच दे रही है CIA। क्या ब्रांच दे रही है, CIA, कॉमन इंटरओशियस आर्टरी। क्या है ये, कॉमन इंटरओशियस आर्टरी। और ये जो CIA है ये डिवाइड हो रहा है PIA में और AIA में। किसमें, PIA में और AIA में, पोस्टीरियर इंटरओशियस आर्टरी एंड एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके इस वाली साइड पे, यानी मीडियल वाली साइड पे। यहाँ पे भी अल्नर आर्टरी ने दो ब्रांचेस देनी है। एक देनी है हमारे पास एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, इंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, और एक पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। क्या है, इंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। ये जो इंटीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी है ये एनास्टोमोस करेगी विद द इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। किसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी, इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी के साथ। और जो सुपीरियर अल्नर कोलैटरल जो पोस्टीरियर साइड पे सप्लाई करेगी उसको एनास्टोमोसिस भी पोस्टीरियर अल्नर आर्टरी के साथ होगा, ठीक है। इंफीरियर अल्नर कोलैटरल और ये वाली जो आर्टरी है एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी और ये पोस्टीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी, ये आपस में क्या करेंगे, एनास्टोमोसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो साइड्स थी उनकी एनास्टोमोसिस रह गई। ये जो रेडियल आर्टरी है ये रेडियल रिकरेंट ब्रांच देगी अपनी, क्या देगी, रेडियल रिकरेंट ब्रांच जो इंटीरियर साइड पे एनास्टोमोसिस करेगा लैटरल और इंटीरियर एनास्टोमोसिस करेगा। जबकि ये जो हमारे पास पीआई ये बना था वो सीधे इंटरोशियस आर्टरी ये फर्दर मूव करेगी टुवर्ड्स द बैक साइड, मूव करेगी और किसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ। इसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्चुअल डायग्राम पे। ये थी एक्सिलरी आर्टरी, ये डिवाइड ये आ रही है, ठीक है, और डिवाइड हो रही है दो ब्रांचेस में, एक रेडियल आर्टरी में और एक अल्नर आर्टरी में। रेडियल और अल्नर, ठीक है। ये रेडियल आर्टरी अपनी रेडियल रिकरेंट ब्रांच दे रही है और ये जो अल्नर आर्टरी है ये अपनी कौन सी ब्रांचेस दे रही है, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। रेडियल आर्टरी एक ही ब्रांच दे रही है अपनी रिकरेंट में और अल्नर आर्टरी दो ब्रांचेस दे रही है, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट, ठीक है। और इसके अलावा अल्नर आर्टरी कहाँ डिवाइड हो रही है, इंटू कॉमन इंटरओशियस आर्टरी जो मजीद डिवाइड हो रही है इंटू एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरओशियस आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरओशियस आर्टरी और एनास्टोमोसिस सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर इंटरओशियस आर्टरी के लिए विद द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, विद द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसके बाद जो प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी थी ये वाली जो थोड़ा सा बड़ी होकर आ रही है ये क्या है, प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी। जो प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी है ये क्या है, यूं करके आएगी इस एस्पेक्ट की तरफ, इसके लैटरल एस्पेक्ट की तरफ आ जाएगी और दो ब्रांचेस देगी, एक इंटीरियर डिसेंडिंग और एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग। पोस्टीरियर डिसेंडिंग के साथ पोस्टीरियर इंटरोशियस आर्टरी जो है हमारे पास एनास्टोमोस करेगी और इंटीरियर डिसेंडिंग के साथ कौन सी, रेडियल रिकरेंट। इसके बाद हमारे
हमारे पास दो ब्रांचेस हैं कि एक सुपीरियर एलिमेंट कोलैटरल और एक इंफीरियर एलिमेंट कोलैटरल। ये इंफीरियर एलिमेंट कोलैटरल और सुपीरियर एलिमेंट कोलैटरल, जो सुपीरियर एलिमेंट कोलैटरल है ये पोस्टीरियर साइड को सप्लाई करती है और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करेगी। और जो इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी थी ये किसके साथ एनास्टोमोस करेगी, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी के साथ। ठीक है, इसको बार बार देखें, बार बार ड्रॉ करें, इंशाल्लाह अच्छे से याद हो जाएगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड।